आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एसेज में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एसेज यहाँ पर थर्ड नंबर में एडजेक्टिव्स है। क्या एडजेक्टिव्स है, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये विशेषता बताएगा। किसका विशेषता बताएगा भाई, तो नाउन का, ये नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है। डिफिनेशन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एन एडजेक्टिव क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन का करेगा, ठीक है, उसकी विशेषता बताएगा, क्वालिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आई हैव रेड पेंस, ठीक है, क्या है, आई हैव रेड पेंस, मेरे पास क्या सा पेन है भाई, तो रेड पेन है, यहाँ पर रेड पेन है ना, तो रेड पेन है, तो उसका विशेषता बता रहा है, मेरे पास रेड पेन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आई हैव सिक्स पेन्स, मेरे पास कितने पेन्स है, तो सिक्स है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपका नाउन हो गया ना, ये भी नाउन है, जो पेन है तो कितना है आपके पास, तो सिक्स है, तो यहाँ पर बता रहा ना कि आपके पास सिक्स पेन है, ठीक है। यहाँ पर ये लाल कलर का पेन है, ठीक है, यानी रेड पेन्स है, तो ये क्या बता रहा है, इसका विशेषता बता रहा है, नाम और प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। नीचे देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है। कितने काइंड्स होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट में देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सेकंड में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड में है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। और आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पर फोर्थ में है, आपका है, फोर्थ में क्या है, डोमेस्टिक एडजेक्टिव्स है। थर्ड में, फाइव में है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। सिक्स में है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स। सेवेंथ में आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एट में प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। नाइन्थ में एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर आपका नाइन है, कितने काइंड्स है, नाइन है, ठीक है। हम लोग वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे। देखिए, काइंड्स ऑफ यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट में आपका काइंड में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सो क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। किसका क्वालिटी बताएगा, कोई पर्सन होगा या थिंक होगा, ठीक है, ये पर्सन का या थिंक का, ठीक है, कोई व्यक्ति का या कोई सामान का, ठीक है, उसके बारे में ये क्या बताएगा, उसका क्वालिटी बताएगा, वो कैसा है, विशेषता बताएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखिए कुछ वर्ड्स है, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, वीक हो गया, स्ट्रांग होंगे, और सारा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है, एटीसी, ठीक है, ये सारा क्या वर्ड्स रहेगा, तो ये क्या बताएगा आपका, ये आपका एग्जैक्टिव क्वालिटी बताएगा, ठीक है, विशेषता बताएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, जो गुड है, ठीक है, ये गुड है, तो ये राम कैसा लड़का है, अच्छा है ना, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसका विशेषता बताया, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। सेकंड में देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल है, वो क्या कैसी है, तो वो एक ब्यूटीफुल, अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर पर्सन का विशेषता बता रहा है, ठीक है, ये आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी है, ठीक है। डाउट है, आप इसको नोट कर सकते हो। हम लोग सेकंड में पढ़ते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड में एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हम लोग बात करें तो वो किसी का मात्रक होगा, क्वांटिटी नापा जा सके, तोला जा सके, जोखा जा सके, ठीक है, मापा जा सके, उसके बारे में। यहां पर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सो हाउ मच, ठीक है, अ थिंग इज मीन्ड, यहां पर बता रहा है क्या, हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम उसको बोलेंगे जो हम लोग शो करेंगे, शो नापा जा सके, तोला जा सके, ठीक है। जैसे कुछ होगा सम, मच, लिटिल, ठीक है, होल, ऑल, ऑन, एनी, ठीक है, ये सारा जितना सारा वर्ड्स है, ये क्या करेगा, इसका क्वांटिटी बताएगा, क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। वो सम मतलब क्या, कुछ होंगे, ठीक है, और मच, ठीक है, यहाँ पर ये जितने सारे हैं ये क्वांटिटी बताएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं क्या, एग्जांपल में यहाँ पर लिया हुआ है, सम बॉयज आर अब्सेंट टुडे, आज क्या है, कुछ बच्चे क्या है, अब्सेंट है, टुडे आज क्या है, आज के दिन कुछ बच्चे अब्सेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या दिखा है, अब्सेंट दिखा है, तो सम मतलब कुछ बच्चे, अब वहां पर गिना नहीं जा सकता, मतलब कुछ मतलब तीन हो सकते हैं, चार, मतलब ये बस एक यहाँ पर सम लगा दिए वर्ड्स, ठीक है, कुछ भी चार हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपका एग्जैक्टिटी है, ठीक है। थर्ड में हम लोग चलिए हम लोग थ्री में देखेंगे क्या, थर्ड में हम लोग देखेंगे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, ये नंबर शो करेगा किसका, विशेषता का, ठीक है।
एग्जेक्टिव का नंबर, जहां से यहां पर देखिए एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन, ठीक है, वो कितने पर्सन है और कितने थिंग्स हैं, ठीक है, मिंट ऑन इन और इन व्हाट ऑर्डर इन पर्सन थिंग्स स्टैंड, यानी हम लोग एक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, ठीक है, कोई नंबर के अकॉर्डिंग रखें उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, फ्यू है, नो है, मेनी है, सम है, सेवरल है, ऑल, वन, टू, फर्स्ट एंड सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये जितने सारे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे हम लोग देखेंगे या फिर एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ऑल मैन मस्ट डाई, यानी जितने सारे मैन है, ठीक है, उनको एक दिन निश्चित है वो मरेंगे, ठीक है, ऑल आ गया किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है, वो एक दिन मस्ट है, यहाँ पर मस्ट लगा दिया ना, वो मस्ट है कि एक दिन सारे लोग मरेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए द कैट, सेकंड में देखिए द कैट हैज वन टेल एंड टू ईयर आई, सॉरी आई, ठीक है, तो जो कैट है उसका एक टेल है और दो क्या है आई है, ठीक है, तो एक उसका पूंछ है और दो आंख है, यहां पर आप काउंट कर सकते हो, इसको एग्जेक्टिव ऑफ नंबर बोल सकते हो, ठीक है, डाउट है तो आप बोलो, आप इसको नोट कर सकते हो।